गरीबी एक बहुत बड़ा कलंक है दोस्त, जितना जल्दी हो सके इसे मिटा दो। वेलकम बैक टू आवर न्यू एनर्जी ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 4:30, सुबह के नहीं कहेंगे, भोर के कहेंगे, भोर के कहेंगे 4:30। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने गायों को सानी पानी लगाने, और बहुत से कमेंट आते रहते हैं कि मतलब क्या देते हो फीड में, तो हाथ देख लीजिएगा फीड में क्या देते हैं उसके बाद, और क्या है मतलब क्या क्या करते हैं। सबसे पहले उठे हैं तो अभी जो गोबर है ना, गोबर को एक जगह काटकर को ले आएंगे, उसके बाद छत पर से भूसा उतारेंगे, देन उसके बाद सानी पानी करेंगे। सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह है, एकदम अंधेरा ही अंधेरा हमारी गाय, और इसमें थोड़ा म्यूज़िक आ रहा होगा क्योंकि म्यूज़िक ऑन है सुबह का भक्ति भजन। और इन सबको पहले इधर अलगाते, फिर गोबर को काछते हैं अलग। तो सबसे पहले गायों को अलगाते हैं। तो गाय को लगा दिए हैं, अब काटते हैं गोबर। तो गोबर भी काट दिए, अब जा रहे हैं छत पर से। तो छत पर से भूसा भी उतार दिए हैं, और गायों को भी अलगा दिए हैं, ये सब रही गाय। और भूसा नाद बना दिए हैं, बस लाएंगे खरी, उसके बाद खरी ना कर इसको सौंध देंगे, फिर गायों को लगा देंगे खाने लगेगी। अभी इसमें खरी नहीं लाए हैं तो भी खा ही रही है, ये मतलब मस्त गाय एकदम। इसको खरी दो या ना दो इसका नहीं मतलब है, ये खाएगी अपना, इसको बस गोबर चाहिए। लेकिन खरी देते हैं ऐसा कि नहीं देते, नहीं देते, बाकी दो उधर ना दे तो उसमें भी सौंधेंगे, तो फटाक से इन सबका हो जाएगा काम खत्म। सबको सानी उन्नीस दे दिए हैं और ये सब खा रही है मस्त अपना। और अभी बज चुके हैं 5:30, और अभी 6:30 इन सबका दूध निकालूंगा सुबह में, क्योंकि दिन छोटा हो रहा है और रात बड़ा हो चुका है, तो इसलिए टाइम भी चेंज कर दिया हूँ मैं। सुबह के बज चुके हैं 7, और अब जा रहे हैं गायों का दूध निकालने, कुछ इस तरह। और ये रही मेरी गाय, और ये रहा खरी, तो खरी डालेंगे फिर उसके बाद इन सब का दूध निकालेंगे। 4 गायों का निकालना रहता है, इसका निकालना है, इसका, इसका, और लास्ट में जो गाय है ना वो उसका। तो पहले इन सब का दूध निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉक करते हैं। तो इस बच्चों को दे दिया सानी जो कि खा रहा है, बाकी 4 गायों का दूध निकालना रहता है, तो गायों का दूध निकाल लिए और अलगा दिए हैं अलग अलग। और बाकी पता है क्या करने जा रहे हैं, नाद साफ करने जा रहे हैं, जो कि ये सब खाती हैं अच्छे से नहीं खा पाती, मतलब थोड़ा पानी वानी बच गया तो पानी को उबेंगे मेरे हाथ में, इससे इस तरह कर नीचे फेंकेंगे, फिर इसके बाद इस नाद में साफ पानी लाएंगे, और उसके बाद नीचे का खड़पा देंगे, फिर गायों को देंगे, क्योंकि अगर पानी साफ रहेगा तो ये अच्छा सा ये सब अपना खाना खा पाएंगे। और उसको जो नाद था उसको साफ कर दिया है, अब जा रहे हैं पाइप लगाकर नीचे का खड़पा दें और गायों को देंगे, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज पड़ रही है आज। इसको फैलाते हैं, जाले हो चुका है और पानी आ चुका है, तो पहले इन सबको धो लेते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉक करते हैं। इसको इस तरह कुछ धोते हैं पूरा, जितना भूसा गिरा रहता है उसको बहा देते हैं, थोड़ा बहुत रहता है ये। और इसको ये गोबर लगा हुआ जो सुबह में काटे थे इससे, तो पहले धो लेते हैं उसके बाद ब्लॉक करते हैं।
अभी यहाँ पे गायों को भी धो दिया और नीचे का खड़पा भी दे दिया और नाद में पानी भी ना दिया क्योंकि ताकि शाम में दिक्कत ना हो पानी का। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30 और अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड रनिंग करने जो कि 8:30 बजे फिक्स टाइम है। इन सब का काम ख़त्म कर फिर मैं अपने जीवन की तरफ बढ़ता हूँ, मतलब रनिंग वनिंग करने जाता हूँ ताकि सही रहे। तो अब इन सब का काम आएगा शाम में और इन सब का काम हो चुका है अब जाकर ख़त्म और बाहर का मौसम कुछ इस तरह। तो ये रही मेरी बाइक और बाइक से चलते हैं ग्राउंड की तरफ। महाबोधि ग्राउंड है, ग्राउंड पहुँच चुका हूँ और ग्राउंड पहुँच कर देख रहा हूँ तो यहाँ पर पंडाल लगने की तैयारी हो रहा है, मतलब अभी मंडप बन रहा है जिसमें माँ दुर्गा माता का मतलब मूर्ति रखाएगा और इसमें लगेगा पंडाल। तो 3 तारीख को है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी रनिंग करने लायक छोड़े हैं पीछे, मतलब पंडाल लग जाएगा अभी तो जिसको रनिंग करना होगा वो कर सकता है पीछे से, मतलब रनिंग आराम से हो जाएगा। तो अभी पहनते हैं हम शूज, उसके बाद करते हैं रनिंग। मैंने रनिंग और एक्सरसाइज वगैरह कर लिया और अब चलते हैं घर और समय हो चुके हैं 10:30 और बाइक से चलते हैं घर। गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5:30, मैं ग्राउंड से आकर नहाकर खाकर क्रिकेट खेलने चला गया हूँ और ब्लॉग करने भूल गया हूँ। तो अभी सानी पानी दे दिया हूँ और अभी जा रहा हूँ इन सब का दूध निकालने जो कि शाम के बज चुके हैं 5:30। तो इन सब खाकर एकदम खड़ी हो चुके हैं और अब जा रहा हूँ इन सब का दूध निकालने और दूध निकाल कर फिर उसके बाद ब्लॉग करते हैं। और शाम के बज चुके हैं 5:30, आज लेट हो चुका है जो कि मुझे कैमरा जो है बहुत ही गंदा क्वालिटी दे रहा है, मुझे पता है क्योंकि कैमरे में धूल मतलब बिगड़ गया है आगे और पीछे, मतलब फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों बिगड़ चुका है, फिर भी जो आ रहा है यही है। और अभी इन सब का काम हो चुका है ख़त्म और नीचे का खड़पा देंगे फिर उसके बाद इन सब का शाम का भी काम हो जाएगा ख़त्म, तो अब आएगा कल सुबह में। तो आज का जो काम था वो सब दिखा दिया, मतलब थोड़ा बहुत दिखाया हूँ, पूरा नहीं दिखा पाया हूँ। तो कोशिश करूँगा कल के ब्लॉग में ना अच्छे से और क्या फीड देता हूँ कितना देता हूँ ये सब पूरी जानकारी दूंगा। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं इसे भी ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।